एल राहुल के साथ मिलकर विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई जबड़े से जीत छीन ली। जिस वक्त भारतीय टीम 200 रनों का टारगेट चेज करते हुए दो ओवर में दो रन पर तीन विकेट खो चुकी थी, अब विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 214 गेंद पर 165 रनों की पार्टनरशिप बनाई। वर्ल्ड कप में पहली बार किसी भारतीय जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 रनों से ज्यादा की साझेदारी बनाई। विराट कोहली जरूर 85 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। विराट कोहली की ये पारी कोई भी क्रिकेट फैन कभी भूल नहीं पाएगा। जो हेजलवुड के छठे ओवर की पांचवी फुल लेंथ गेंद पर विराट कोहली स्ट्रेट ड्राइव मारी, गेंद हेजलवुड के बाईं तरफ से गई और मिड ऑफ फील्डर के पास कहीं कोई मौका नहीं। विराट गेंद को तब तक निहारते रहे जब तक वो चार रनों के लिए सीमा रेखा पार नहीं चली गई। टॉस के पत्तों की तरह बिखरती भारतीय टीम के लिए चौका किसी संजीवनी से कम नहीं था। हेजलवुड के आठवें ओवर की तीसरी शॉर्ट बॉल पर दिल, कलेजा, फेफड़ा सब हाथ में आ गया, क्योंकि विराट का टॉप एज मिड विकेट की दिशा में गया, लेकिन मिचेल मार्श कैच नहीं पकड़ सके। विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को जीवन दान का मतलब होता है मैच से हाथ धो बैठना, फिर चाहे सामने कोई भी गेंदबाज क्यों ना हो। कैमरन ग्रीन के 15वें ओवर की पांचवी गेंद पर मिड विकेट और मिड ऑफ के बीच में फिलिप शॉट पर चौका, ये शॉट देखकर समझ आ रहा था कि आखिर विराट कोहली को कलाइयों का जादूगर क्यों कहा जाता है। अगले गेंद फिर से ऑफ स्टंप पर फुल लेंथ, इस बार विराट कोहली ने गेंद को मिड विकेट की दिशा में ग्लांस कर दिया और चार रन अपने नाम कर लिए। पैट कमिंस के 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट टू विकेट शॉर्ट बॉल थी, विराट कोहली ने अलोंग द ग्राउंड स्क्वायर लेग की दिशा में फुल शॉट खेला और भाग कर दो रन हासिल। इसी के साथ विराट कोहली का अर्धशतक पूरा हो चुका। ये मुश्किल हालात में संयम के साथ डटकर खेली गई पारी थी, पर काम अभी अधूरा था। पैट कमिंस ने 28वें ओवर की चौथी गेंद बैक ऑफ लेंथ अराउंड ऑफ स्टंप रखी, विराट कोहली ने फुल शॉट पर मिड विकेट क्लियर की और चौका अर्जित कर लिया। एडम जंपा के 33वें ओवर की पहली गेंद आउटसाइड ऑफ थी, विराट कोहली ने फ्रंट ऑफ स्क्वायर चौका जड़ दिया, उन्होंने स्वीपर कवर फील्डर को गेंद रोकने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। मिचेल स्टार्क के 35वें ओवर की चौथी गेंद विराट कोहली के हेलमेट पर लग गई, स्टार्क ने पांचवी गेंद फुल लेंथ डिलीवरी आउटसाइड ऑफ डाली, विराट ने बल्ले का मुंह खोला और कवर्स की दिशा में चौका हासिल कर स्वीपर कवर का फील्डर विराट के शॉट की खूबसूरती निहारता रह गया। जो हेजलवुड के 36वें ओवर की पहली लेंथ डिलीवरी को स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक कर विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ 150 रनों की साझेदारी पूरा कर ली। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली का 38वां वनडे शतक जरूर बनेगा। जो हेजलवुड के 38वें ओवर की चौथी गेंद विकेट पर शॉर्ट बॉल थी, विराट कोहली ने हवाई पुल शॉट खेला, लेकिन डीप मिड विकेट में मानस लाबुसेन ने दौड़कर लो रनिंग कैच पकड़। विराट 116 गेंद पर 6 चौकों के साथ 85 रन बनाकर आउट हो गए। विराट ने केएल राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 214 गेंद पर 165 रनों की मैच विनिंग पार्टनरशिप की। उनके जाने के बाद भारत को जीत के लिए 74 गेंद पर सिर्फ 33 रनों की दरकार। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के बीच में 26 रनों की पार्टनरशिप पर भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और केएल राहुल को शतक के लिए 9 रन। अगर केएल राहुल चौका जड़ते तो फिर उनके पास छक्का जड़कर शतक बनाने का मौका होता, पर राहुल ने पैट कमिंस के 22वें ओवर की दूसरी आउटसाइड ऑफ फुल लेंथ डिलीवरी पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का उड़ा दिया। भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 195 से 201 हो गया। इस छक्के के साथ भारत 200 रनों के लक्ष्य के पार चला गया। केएल राहुल 115 गेंद पर 8 चौकों और 2 छक्कों के साथ 97 रन बनाकर नाबाद रह गए। गेंद को सीमा रेखा पर 6 रन के लिए जाता हुआ देखकर आश्चर्यचकित राहुल मुस्कुराते हुए ग्राउंड पर बैठ गए। उन्होंने विराट कोहली के साथ चौथे विकेट के लिए 214 गेंद पर 165 रनों की मैच विनिंग साझेदारी निभाई। भारत 52 गेंद बाकी रहते ही अपना पहला वर्ल्ड कप मैच जीत गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर राहुल को छक्का मारने की क्या जरूरत थी? वो चाहते तो चौका मारकर फिर छक्का मारते तो उनकी सेंचुरी लग सकती थी, लेकिन राहुल ऐसा नहीं किए क्योंकि उन्हें टीम को जिताना था। इस वर्ल्ड कप में उन्हें बहुत चांस मिलेंगे सेंचुरी के लिए। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या यहां पर केएल राहुल ने सही किया या गलत, और साथ ही साथ मैच की शुरुआती बैटिंग देखकर किसके किसके हलक पर जान आ गई। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल एक और मैच का हाल चाल और बवाल लेकर एक वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।